हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का कार्यपत्रक 3 जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 48 पर है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करें, है ना, इनका हमें गुणा करना। और ये कैसी संख्या है बच्चों? दशमलव वाली है। देखो, 2.5 में 0.2 का गुणा करना है। तो यहाँ पर एक सरल विधि बता रखी कि पहले दशमलव को छोड़कर गुणा करें, है ना। तो 25 में 0 दो का गुणा कर दिया, ठीक है। तो 2 का गुणा कर दिया, 0 आगे है तो उसका कोई महत्व नहीं है। 2 × 5 = 10 की 0, 80 का 1, 2 × 2 = 4, 4 = 5, 50 है। चूंकि दिए गए प्रश्न में दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या 2 है, इसलिए गुणा के बाद आए परिणाम में इकाई से 2 अंकों को छोड़कर दशमलव का प्रयोग करते हैं। अतः उत्तर आया 0.50। देखो, दशमलव के बाद कितने अंक यहाँ पे 1 और 1 2, है ना, दोनों संख्याओं में देखेंगे हम, है ना। तो 1 और 1 2 संख्या थी, तो हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 2 अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया, और आगे 1 0 लगा सकते हैं। तो ये दशमलव के आगे 1 0 लगा दिया था हमने। तो इसी प्रकार हमें ये सारे क्वेश्चन करने हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन करते हैं, है ना। आगे 0 है तो उसका हम कोई महत्व नहीं समझेंगे। 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे? तो पीछे से गिनेंगे ना, 1 और 1, दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 अंक है। तो 1 और 1 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, और आगे क्या आ जाएगा? 0। उसी प्रकार ये वाला प्रश्न देखो, है ना, पहले 1 का करते हैं ना, 1 1 का करें या 2, 1 1 का कर लेते हैं ना। 11 का भी सीधे कर सकते हैं कि 11 × 2 = 22 की 2, 80 का 2, 11 × 5 = 55, 56 = 57, ये होगा 57। और दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा? यहाँ पे भी 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 5.72 आ जाएंगे, है ना। उसी प्रकार है तीसरा, देखो, 4.7 × 0.5, तो 5 का गुणा कर देंगे। पहले 5 × 7 = 35 की 5, 80 का 3, 5 × 20 = 3, 21 × 22 = 23, कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा? 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2.35 उत्तर आ जाएगा इसका। उसी प्रकार जो चौथा क्वेश्चन है, 7.5 × 2.2, तो गुणा कर देंगे हम पहले 2 का 2 × 5 = 10 की 0, 80 का 1, 2 × 7 = 14 = 15, है ना, इकाई के नीचे 0 या क्रॉस। उसी प्रकार फिर से 2 का गुणा करेंगे तो फिर वही अंक आएंगे, है ना, ठीक है। तो ये हो गया 0, 5, 5 और 1 6 और 1, और दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा? 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 के बाद दशमलव लगा दिया, ये हो गया इसका उत्तर, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित संख्याओं का गुणा किए बिना हल करें। बिना गुणा करे ही हल करने को बोला है। तो देखो, 100 में 2 का गुणा करना है ना, 0.02 का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? निम्नलिखित संख्याओं का गुणा किए बिना हल करें, है ना। तो पहला देखो, 100 × 0.02, है ना। तो 100 में 0.02 का गुणा करना था, तो यहाँ पे हमने सीधा 100 में 2 का गुणा कर देंगे। पहले तो 200 आए, और दशमलव कितने अंक के बाद लगाएंगे? 2 अंक के बाद, है ना, क्योंकि इधर वाले में तो है ही नहीं, और यहाँ पे कितने हैं? तो 2 अंक के बाद दशमलव था, तो हम पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। चलो, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो, 1000 में 0.05 का गुणा करना है। तो हम पहले 1000 में 5 का गुणा कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे? 5000, है ना, 5 × 5 और पीछे 3 0, और दशमलव कितने अंकों के बाद लगाएंगे बच्चों? 1 और 2 के बाद, 1 और 2 के बाद हमने दशमलव लगा दिया, है ना। उसी प्रकार तीसरा देखो, 0.25 × 100, तो पहले हम ये जो है 0.25 × 100 में कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे 25 है तो 25 × 25 हो जाएगा, है ना, 2 0 हो गए, और कितने अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे? 2 के बाद, ठीक है। तो 2 के बाद ये दशमलव लगा दिया मैंने। उसी प्रकार 1.05 में 1000 का गुणा करना है ना, तो 1 0 यदि दशमलव हटा देंगे तो 105 है, 105 × 105, तो 105 तो ये होगा, और पीछे के 3 0, 1 2 3 लगा दिए। अब देखो, दशमलव कितने अंकों के बाद है? 1 और 1 2, क्योंकि इसमें तो कहीं है ही नहीं, इसमें 2 अंकों के बाद है, तो हम पीछे से 2 अंक गिन के दशमलव लगा देंगे, है ना, ये हो गया हमारा। उसी प्रकार 25000 में 0.02 का गुणा करना है, तो 25000 में तो 25 × 2 हो गए 50, और ये 2 0, ठीक है, ये 2 0 हो गए। अब दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना? 1 और 2, 1 और 2 अंकों के बाद ये दशमलव लगा दिया, है ना।
ठीक है बच्चों, अब है दशमलव दो गुणा दशमलव दो गुणा दशमलव दो, है ना। तो हम दो दो का गुणा कर देते पहले, दो दो का गुणा दो में करा तो चार, चार का दो में करा तो आठ, है ना। दो दूनी चार, चार दूनी आठ, ये तो हमने लगा दिए आठ। अब हमको दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना, एक दो और तीन के बाद, यहाँ तो एक ही है तो ये दो हो गया और ये तीन अंक होगा, एक दो और तीन के बाद दशमलव लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा दशमलव जीरो जीरो आठ, ठीक है। तो यहाँ हमें ये देखना है, गुणा में हमें यही देखना होता है कि दशमलव कितने अंक के बाद लगाना, तो जो गुणा की संख्या है उसमें जितने अंक के बाद पीछे से गिनेंगे, मतलब पीछे से जितने अंक के बाद दशमलव लगा है उतने ही हम जो संख्या आएगी उसमें भी पीछे से दो, पीछे से जितने अंक होंगे उतने अंक में लगा देंगे।